अस्सलाम वालेकुम प्री नाइन्थ। आज जो हम मैथ्स में पढ़ने जा रहे हैं वो आपने एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हो। कुछ डेफिनेशंस मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को करवाई थी, ठीक है। इस चैप्टर में अब चैप्टर नंबर 6 के आज हम डेफिनेशंस करेंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 की डेफिनेशंस की थी। एक्सरसाइज नंबर 1.2 से पहले कुछ डेफिनेशंस है, अगर आप वो लोग अच्छी तरह से कर लोगे तो चैप्टर उसको जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ताकि अच्छे से आप उसको क्लियर कर लो। अच्छा जी, आप पहली जो यहाँ पे पेज नंबर 6 में डेफिनेशन है वो है आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आप लोगों को पता है क्या होता है। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि इसमें आपकी बुक में वो डिटेल से डेफिनेशन भी लिखी हुई है और एग्जाम्पल्स भी गिवन है, वहाँ से आप ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, यानी कि कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, उसका नाम खुद से आपने रख लिया ए। देन द नेगेटिव माइनस ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। यानी कि आप खुद से कोई ए मैट्रिक्स अगर हम ले लेते हैं, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स ले लिया खुद से, अब अपनी एग्जाम्पल आप खुद से भी ले सकते हो, डजंट मैटर कि आपने सिर्फ उसको बुक से ही देखना है। अब ए ले लिया, इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा ए का, यानी कि मैंने इसकी जितने भी साइन होंगे इस मैट्रिक्स के सबको चेंज कर देना है। यानी कि नेगेटिव से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इसकी जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। यानी कि इसको जब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये नेगेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको जब मैं नेगेटिव से करूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3 और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4। ये आपके पास क्या हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी तरह से नेक्स्ट मूव करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। असिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यानी कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए, तो वो उसका वो सिमेट्री क्या होगा, सिमेट्री की डेफिनेशन होती है कि वो जो मैट्रिक्स है वो अगर अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि यानी कि हम एक मैट्रिक्स का जब अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो उसमें फिर भी कोई चेंजिंग ना आए, ठीक है। यानी कि आपकी बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है, मैं वही ले लेती हूँ, 1, 2, 3, 2, -1, 4, 3, 4, 0। अब देखो इसका ट्रांसपोज की हमारी लास्ट टाइम बात हो चुकी थी कि ट्रांसपोज किस तरह से लेते हो। आपको पता है आपने रो को किसने चेंज करना होता है, कॉलम में। पहली रो क्या है 1, 2, 3, तो इसको मैं चेंज कर दूंगी किसमें, कॉलम में 1, 2, 3। नेक्स्ट रो है हमारे पास 2, -1, 4 एंड थर्ड रो इज 3, 4, 0। अब आप देखो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बावजूद वो मैट्रिक्स एम ही है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी सेम, उसकी सारी एंट्रीज सेम है, कोई डिफरेंट एंट्री नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स इसका हम ट्रांसपोज भी ले लें, लेकिन ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो वही का वही रहे, यानी कि यहाँ पर देखो ये किसके एम इक्वल आ रहा है, किसके एम ट्रांसपोज के, तो इसका मतलब है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हमारा सेकेंड आगे थर्ड वाली जो हमने करनी है वो क्या है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेट टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। यानी कि यहाँ पे जैसे था कि इसमें था कि ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, लेकिन इसमें क्या है कि जो ए का ट्रांसपोज लो और वो माइनस ऑफ ए क्या है, अगर माइनस होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक, अगर प्लस ए होगा तो वो खाली सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसकी बुक में आपकी गिवन है स्क्यू सिमेट्री की। एक ए ट्रांस मैंने मैट्रिक्स ले लिया, उसके एंट्रीज लिख लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब ए का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ए का जब मैं ट्रांसपोज लूंगी तो वही बात आपको आपको पता है ए का ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं, ऑलरेडी काफी दफा हम कर चुके हैं। अब देखो इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। अब क्यू पे अगर मैंने ट्रांसपोज ले लिया तो डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ए का जो ट्रांसपोज होता है वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आता है ना, इसका मतलब है जो भी मेरे पास आएगा उसके में से मैं क्या करूंगी, माइनस के साथ इसकी सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा दूंगी, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं इसको, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 0, आपको पता है ना तो कोई नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव, इसके साथ कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा,
ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, ये माइनस 2 0 1 माइनस 3 माइनस 1 एंड देन 0। अब आपने देखा होगा कि अब जब हमने इसको ए ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये देखो ये क्या ए वाला मैट्रिक्स आ गया, यानी कि माइनस ऑफ ए, यानी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ ए के। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ डायगोनल इज नॉट जीरो एंड ऑल, यानी कि आपके पास इसमें क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स में, मैं आपको सिंपली बताती हूँ। ए मैट्रिक्स मैंने कोई ले लिया, अब इसमें मैंने ये जो इसके डायगोनल में एंट्रीज होती हैं ये सारी नॉन जीरोज होती हैं, इसके अलावा जितनी भी इसकी एंट्री है वो सारी क्या है, जीरो है, बाकी सिर्फ ये डायगोनल, डायगोनल इसी को कहते हैं ना तिरछा सा, तो ये वाली सारी क्या होंगी, नॉन जीरो होंगी और डिफरेंट होंगी, सेम नहीं होंगी। सही है, अगर यहाँ पे वन है कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, तो ये आपकी किसकी एग्जाम्पल है, डायगोनल मैट्रिक्स की। इसके बाद उसके स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास क्या होती है, अ डायगोनल एंट्रीज इज स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अभी देखो बात हो रही थी कि जिसमें सेम नहीं होगी वो डायगोनल होगा, और जिसमें आपकी सारी एंट्रीज जो है वो सेम होगी, जैसे मैं यू ले लेती हूँ, यहाँ पर भी मैं 2 लिख देती हूँ, यहाँ पर भी 2 लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, इसी तरह से अगर ये के है तो ये भी के होगा। ठीक है, तो ये डायगोनल एंट्रीज अगर सेम आ जाती हैं तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा, अगर डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट आ रही है तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की जो एंट्रीज है वो 1 होती हैं, यानी कि अगर मैं इसकी आइडेंटिटी की एग्जांपल लेती हूँ तो इसके डायगोनल की एंट्रीज जो है, अगर सी एक मैट्रिक्स से लेते हैं 1 1 1, तो इसकी जो रिमेनिंग सारी होंगी वो जीरोज होंगे और डायगोनल में क्या होगा, 1 होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे मतलब अगर 2 आ जाता है, 3 या कोई भी नंबर आ जाता है वो सेम, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या है, स्केलर, ये क्या है, डायगोनल, और ये क्या है आपके पास, आइडेंटिटी। इस इनको तीनों को अलग से कर लीजिए, अगर डायगोनल में डिफरेंट एंट्रीज आ रही हैं तो इसका मतलब है वो कौन सा है, डायगोनल, अगर सेम आ रही है तो वो क्या है, स्केलर, और अगर सिर्फ 1 आ रहा है तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी। देखा जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स भी तो है ना, क्योंकि स्केलर के डेफिनेशन में हमने बात की कि स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसकी जो है डायगोनल में एंट्रीज सेम आए, तो देखा जाए तो चाहे ये 1 है तो इसकी डायगोनल एंट्रीज तो सेम है ना, यहाँ पर भी सब में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये एक डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स भी है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एग्जांपल दोगे तो आप यही दोगे, स्केलर की आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, इसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स की भी आप एग्जांपल कुछ भी दे सकते हैं। आई होप कि आपको सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे, उसके कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में है, फर्स्ट क्वेश्चन में है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, ये आपने बताना है, यानी कि आपको डिफरेंट मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने उनके अकॉर्डिंगली बताना है कि कौन सा नल है, कौन सा जीरो मैट्रिक्स है, कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है, सारा ये आपने बताना है। डेफिनेशन मैं आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ, आई होप कि आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई करना है आपने, पहला स्केयर मैट्रिक्स है, डिफरेंट मैट्रिक्स दिए हुए हैं और नीचे उनका मैट्रिक्स भी बना के दिए हुए हैं, तो पहले नेम दिए हुए हैं, आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स का क्या नेम है। ठीक है, ये भी आप लोग बुक पे भी कर सकते हो, इजीली ये भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स, इसमें भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा स्केलर है और कौन सा यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे कि ए पार्ट में जो है लिखा हुआ है उसमें देखो 4 4 है, सेम आ रहा है एंट्री उसमें, तो ये आपका क्या होगा, स्केलर होगा, फिर बी वाला डायगोनल होगा, सी वाला आइडेंटिटी होगा, सिर्फ आपने ये चीज़ मेंशन करनी है कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा है। ठीक है,
उसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर फोर में है फाइंड दी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी। ये नेगेटिव आपने फाइंड करना है तो हर मैट्रिक्स को आप क्या करोगे माइनस से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जब भी जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको करवाया तो मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो आपका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। ठीक मैं करवा देती हूँ एक आपके पास क्वेश्चन नंबर ये क्या है फोर उसका एक पार्ट में देखो जैसे दिया हुआ है वन है जीरो है माइनस वन है या आपको क्लास में ऑलरेडी कर भी चुकी हूँ। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा जिसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगी माइनस वन जीरो और ये माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन। ये जस्ट इसका आंसर आ गया। जो भी आपका मैट्रिक्स गिवन है उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो आपका क्या होगा नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स होगा। ठीक है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव में है फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ अ फॉलोइंग। अब ट्रांसपोज भी आप लोग बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से लेना है। जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है जैसे क्वेश्चन नंबर फाइव में आपका ए पार्ट में क्वेश्चन है जीरो वन माइनस टू। अब ये एक ही कॉलम गिवन है इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगी तो ट्रांसपोज क्या होगा कॉलम को हम किस में चेंज कर देते हैं रो में, रो को किस में चेंज कर देते हैं कॉलम में। तो इसके कॉलम को हम चेंज कर देंगे रो में जीरो वन और माइनस टू ये आपका क्या आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए। सिमिलरली बी पार्ट में आपको एक रो दी हुई है उस रो को हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है थैंक यू सो मच। आज हमने क्वेश्चन फाइव अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।